अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो आपको देख कर अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। वो है तोरियां प्याज। तो ये कैसे बनेगी और इसकी रेसिपी क्या है, ये हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए, इसमें ऑयल डाल दिया, ये मैं चूल्हे पे रख देती हूँ, ठीक है। मतलब हम लोगों ने पूरा प्याज नहीं लिया, बस हम लोगों ने थोड़ा सा प्याज लिया। अच्छा जी, ये मैंने 3 टमाटर ले लिए, ठीक है। ये 1.5 किलो हमारी ना तोरियाँ थी, ये मैंने ऐसे काट ली है, ठीक है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 अदद लिए हैं टमाटर, ठीक है, और 1.5 किलो हमारे 1.5 किलो तोरियाँ थी जो मतलब मैंने काट ली है। तो ये आप जरा करीब से देख लें इनकी शेप कैसी है, ऐसे काटी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे प्याज है वो कितने हैं? ये मैंने ना 3 प्याज लिए थे, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, 2.5 प्याज है समझो ये इधर, ठीक है। मतलब आधा प्याज हम लोगों ने वहाँ, हाँ जी, आधा उधर डाल दिया है। तो ये ना बाद में डालेंगे तोरियों में, ठीक, तोरियों में डालना है, ठीक है। ये 3 टमाटर ले लिए, ये हम मसाले में अब डाल देंगे इसे हम, ठीक हो गया। चलो थोड़े से ना कलर ले लेना, भुना जाए तो वो डाल। तो अब क्या हम लोग उस तरफ, आप उस तरफ आ जाओ, ये मैं डाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स, जब तो मम्मा यहाँ टमाटर काट रहे हैं वहाँ हमारे प्याज हो रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि वो जो हमारे मज़ेदार सी आज की तोरियाँ और जो प्याज की रेसिपी है उसके प्याज हो रहे हैं वो हम लोगों ने कैसे कलर के करने हैं और कितना। वो मैंने कहा चलो सीजन की सब्जी है, ये भी पका लेते हैं। आपको पता ही ये हालात ख़राब है, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, बाहर जा नहीं सकते, तो फिर मैंने कहा चलो आज यही पका लेते हैं, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, मतलब आज की जो रेसिपी है वो आसान सी और सब्ज़ी के हवाले से है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो ये मज़ेदार सी तोरियाँ बनाना हम सिखा रहे हैं प्याज़ों वाली, वो आप सीख सकें। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं प्याज़ों की तरफ और देखते हैं कि वो किस कलर के हो गए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारे प्याज है वो हो रहे हैं, मैं डाल देती हूँ, और टमाटर मम्मा ने इसके अंदर डाल दिए हैं, वो काफ़ी शोर हो रहा है इसका। आप लोगों ने देखा कि मतलब हम लोगों ने हल्का सा इसको बना लिया है, इसका ना जरा सा मसाला बन जाए टमाटरों का, फिर ना डालती है मसाला, ठीक है। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं जाना, व्यूअर्स जो हमारी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो मज़ेदार सी रेसिपी है इसका पता चल जाए इसको कैसे बनाना है। अब ये टमाटर हो गए हैं, 1 चम्मच मिर्च का, ये 1/2 चम्मच हल्दी का, पौना चम्मच नमक का, वो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं हिलाती हूँ इसे, मिर्चें ज़रा भुनी जाए, तो मैं ना फिर इसमें ना वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर व्यूअर्स हम लोग मतलब इसका मसाला भून रहे हैं और इसके पास जो हमारी तोरियाँ हैं, जो हम हमारी आज की मेन रेसिपी तोरी प्याज है उसको हम लोग शामिल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नमक, मिर्च और मतलब नॉर्मल जो मसाला हमारा हल्दी है उसको शामिल कर दिया है। अब ये भुना गया है, आपने देख लिया, तो अब मैं ना इसमें ना ये डाल दी, बिस्मिल्लाह, ये मैंने तोरियाँ डाल दी हैं, चलिए, ठीक हो गया। मतलब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही देखे दिखने में लग रहा है। हम लोगों ने जो हमारी तोरियाँ थी इनको भी डाल लिया। अच्छा, ये मैं अब हिला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, ये अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे, इनमें पानी काफ़ी होता है, ये थोड़ी सी पक जाती हैं, फिर ज़्यादा पकाओ ना तो मज़े की भी नहीं बनती, बस सही है इतना साला मुनासिब है। तो अब ये ना मैं पकड़ने के लिए रख देती हूँ, 5 मिनट ये पकेंगी, फिर इसमें ना प्याज डालेंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने सिंपल इसका मसाला तैयार किया है, उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी नमक मिर्च थी उसको शामिल किया, उसको भूनने के बाद हम लोगों ने तोरियों को डाल दिया इसके अंदर, और अब जो है हम लोगों ने इसको पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम लोग इसको पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि जो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी,
तेरे हांडी की हमारी कहाँ तक पहुँची है ये देखें। अभी पक रही है, थोड़ी देर और लगेगी। अभी कच्ची है ये, मतलब अच्छी तरह गली नहीं ये। थोड़ी देर और 5 मिनट ये पक जाए ना, फिर प्याज डालते हैं, फिर दम दे देंगे। ठीक है, अब मैं ढक देती हूँ, 5 मिनट पकाते हैं और चले। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम देखते हैं कैसी तैयार हो गई है वो। ये देखें, अब थोड़ा सा पानी है भाई, खुश करती हूँ मैं इसे। अब मैं ना इसमें ना प्याज डालती हूँ। ये मैंने काटे थे ना प्याज, आपको बताए थे, ये मैंने डाल दिए इसमें। ये हम लोगों ने 2.5 अदद प्याज लिए थे। अब हम लोगों ने पहले इसको, जो हमारी तोरियाँ थी उनको पका लिया है, तो उसके बाद हम लोगों ने प्याज को इसको थोड़ा पकाने के बाद शामिल किया है। सबसे लास्ट पे हम लोगों ने जो हमारे प्याज थे उनको डाला है। पहले हम लोगों ने इसका मसाला तैयार किया, उसके बाद नमक मिर्च और फिर तोरियाँ, और लास्ट पे हम लोगों ने, क्योंकि हमारी रेसिपी है प्याज तोरियाँ, तो हम लोगों ने प्याज ऐड किए हैं। आप पकाएं, इंशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी, आप खुद देखेंगे कितनी अच्छी और लजीज है। प्याज इसलिए डालते हैं, जायका अच्छा बन जाता है, ये मीठी मीठी सी नहीं बनती, तो इसका ज़रा टेस्ट ऐसा होता है ना, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है प्याज़ों के साथ, इसका टमाटरों के साथ भी। टमाटर भी मैंने डाले हैं, अब मैं इसे भून लूँगी बस, फिर तैयार हो गया। मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ भून के ना, अच्छी तरह ज़रा हो जाए। तो व्यूअर्स, बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, तो हम लोग इसको 5 मिनट भूनते हैं, फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी आज की रेसिपी है तोरियाँ प्याज, वो बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ही तैयार हो चुकी है। तो अब हम लोग इसको डिश आउट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि डिश आउट करके जो हमारी मज़ेदार सी तोरियाँ प्याज है वो कैसी बनी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त, और मम्मा इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें, तोरियाँ बिल्कुल हमारी गल गई हैं, इसके ऊपर जो ऑयल है वो भी आ चुका है, मसाला बहुत ही परफेक्ट है, बहुत मज़ेदार सी ये जो हमारी तोरियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। तो बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा इस रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल हम लोगों ने ली थी तोरियाँ, उनको हम लोगों ने काट लिया। हम लोगों ने तकरीबन 2 से 2.5 अदद प्याज लिए थे, क्योंकि हमारी रेसिपी तोरियाँ प्याज थी, तो हम लोगों ने वो लिए। टमाटर लिए सिंपल, हम लोगों ने पहले इसका मसाला तैयार कर लिया, उसके बाद हम लोग नमक मिर्च और हल्दी को इसके अंदर शामिल कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे टमाटर थे उनको डाल दिया। मसाला तैयार करने के बाद हम लोगों ने जो हमारी तोरियां थी उनको हम लोगों ने शामिल किया, और लास्ट पर जो हमारे प्याज थे हम लोगों ने उनको शामिल किया, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर पकाने के बाद जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी थी उसको तैयार कर लिया। तो बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, मतलब कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान है। और वैसे भी आजकल ये सीज़न की सब्ज़ी है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फ़ीडबैक दें कि आपको जो हमारी आज की रेसिपी है ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी सिखा सकें, और आप जो हमारी चैनल को विज़िट करें और इस तरह की जो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी उनको सीख सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा और हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमें दुआ में याद रखिएगा, हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।